फोकस, सीरियसली इस वीडियो पे ध्यान से फोकस करो, क्योंकि ये आइडिया डीप वर्क का आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इतना अच्छे से फोकस करना आ जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं। चाहे आपको एक बड़ा बैंक अकाउंट चाहिए या आपको अपने पढ़ाई में और ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से हैं, वो साल में दो बार अपने आप को एक हफ्ते के लिए एक कॉटेज में, एक फॉरेस्ट में बंद कर लेते हैं और वो सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं और वो सोचते हैं टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में। इस चीज को बोला जाता है डीप वर्क। डीप वर्क कोई भी प्रोफेशनल काम होता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं और इस तरह का काम आपके दिमाग को पूरे लिमिट तक ले जाता है। इस तरह का काम नई वैल्यू बनाता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और जब आप इस तरह का काम करते हैं तो कोई और आपको कॉपी भी नहीं कर सकता है। इसके बारे में ध्यान से सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं अपनी जिंदगी में जो इस तरीके से काम असली में कर पाएंगे? ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे और इसीलिए डीप वर्क इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप डीप वर्क करना सीख लेंगे किसी भी एरिया में अपनी लाइफ के, चाहे वो आपकी जॉब हो या आपको और पढ़ाई करनी हो, तो आप एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे परफॉर्म करने लगेंगे। अब डीप वर्क का ऑपोजिट होता है, जो मेजॉरिटी लोग जिंदगी में करते हैं, वो है शैलो वर्क। शैलो वर्क ऐसा काम होता है जिसमें ज्यादा आप सोचते नहीं है और आप ये काम तब करते हैं जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इसके बारे में ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आपका फोन भी ऑन है और आप बार बार अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, पीछे गाने भी बज रहे हैं और आप YouTube पे वीडियोस भी देख रहे हैं। इस तरीके के काम को शैलो वर्क बोलते हैं और आप इस टाइम जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होता है। अगर आपको अपना पूरा फुल फोकस यूज करना है तो आपको डीप वर्क करना आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डीप वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। डीप वर्क एक्चुअली बहुत ज्यादा साइंस बेस्ड है। आपकी जो भी स्किल है, चाहे वो फिजिकल हो जैसे आपको क्रिकेट में बॉलिंग करना आता हो, या कोई मेंटल स्किल हो जैसे आप दिमाग में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये स्किल आपके दिमाग के अंदर होती है। अब आपके दिमाग के अंदर छोटे सर्किट्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के बने होते हैं और आपकी जो भी स्किल है वो एक अलग सर्किट पे होती है। तो कोई भी स्किल, मान लीजिए कि आपको क्रिकेट में बॉलिंग करनी आती है, तो जब आप बॉलिंग करना शुरू करते तो ये सर्किट आपके दिमाग में ऑन हो जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जो आपके हाथ को और आपके पैर को बोलता है कि क्या करना चाहिए बॉलिंग करने के लिए। अब ये सारी चीजें बहुत माइक्रो सेकंड में होती हैं और यहीं पे डीप वर्क हमारे काम आता है। ये न्यूरॉन इंसुलेटेड होते हैं एक चीज से जिसको बोला जाता है माइलिन। आप माइलिन को रबर की तरह सोच सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल तार के इर्द गिर्द होता है। अब जब आप डीप वर्क कर रहे होते हैं और आप अपनी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप एक ही सर्किट को बार बार यूज करते हैं। अब इसी सर्किट को बार बार यूज करने की वजह से आपके न्यूरॉन्स के आसपास और ज्यादा माइलिन बढ़ता जाता है और जितना माइलिन आपके सर्किट्स के आसपास होगा उतनी तेज करंट ट्रैवल कर सकता है और उतने अच्छे आप उस स्किल पे होते जाएंगे। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप बच्चे थे और आपको बॉलिंग करनी नहीं आती थी तो पहले जब आपने सीखा होगा तो आप शायद बहुत स्लो होंगे बॉलिंग करने में, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते गए उतना माइलिन आपके सर्किट्स में आता गया और उतने जल्दी और उतने अच्छे से आप बॉलिंग करने लगे। अब इस तरीके का माइलिनेशन सिर्फ तभी होता है जब आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो और आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसीलिए डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है, और उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ जिसका नाम है अटेंशन रेजिड्यू। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग बहुत सारी चीजें एक टाइम पे कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपने ईमेल्स भी चेक कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के फेसबुक मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च के हिसाब से एक चीज होती है जिसका नाम है अटेंशन रेजिड्यू। तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई करते हैं फेसबुक पे और फिर आप अपना अटेंशन डालते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो 20% मान लीजिए आपका अटेंशन तब भी फेसबुक पे उस मैसेज पे ही रहेगा और आप पूरी तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अब इसकी वजह से आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप अपने प्रोफेसर को आई लव यू बोल दें और अपनी नेटवर्क एनालिसिस का पेपर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दें। और मेरी बात मानिए, ये दोनों लोग आपसे खुश नहीं होंगे, वैसे शायद आपके प्रोफेसर नहीं। छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम लोग
कैसे डीप वर्क कर सकते हैं। अब कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से डीप वर्क आपके लिए एक आदत होनी चाहिए। आपको अपने लाइफ में एक ऐसा रूटीन बनाना होगा कि आप रेगुलरली डीप वर्क करते हो। तो कैल न्यूपोर्ट में बुक में हम लोगों को चार तरीके बताए डीप वर्क करने के। पहला है मोनेस्टिक। इसका मतलब है जैसे मंक्स एक मोनेस्ट्री में जाके एकदम मेडिटेट करते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, इसी तरीके से आप एक जगह बना लें और आप बिल गेट्स की तरह जंगल में जाके या कहीं और जाके सिर्फ अपना काम करें। अब ये बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये करना सीख गए तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बाईमोडल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कभी कभार मोनेस्टिक काम करते हैं। तो मान लीजिए आप हर संडे को अलग जगह जाके अपनी किताब पे काम करते हैं, तो इसको बोलेंगे बाईमोडल, कि आप नॉर्मल तरीके से भी रहते हैं और फिर आप कभी कभी मोनेस्टिक अप्रोच ले लेते हैं। तीसरा है रिदमिक। बेसिक आइडिया इसमें यह है कि आप एक रिदम बना लें अपनी लाइफ में जब आप डीप वर्क करते हैं। तो चाहे आप हर रोज 5 से 7 बजे के बीच में डीप वर्क करेंगे या आप हर हफ्ते वीकेंड्स को डीप वर्क करेंगे, तो जो भी है एक रेगुलर रिदम होनी चाहिए आपके डीप वर्क करने के लिए। और लास्ट है जर्नलिस्टिक। बेसिकली जैसे जर्नलिस्ट काम करते हैं कि एकदम से स्टोरी आई और वो फौरन काम करने लगते हैं, वही तरीके से आप भी काम कर सकते हैं कि जहां आपको टाइम मिले कि एकदम से आपका ब्रेक खाली हो गया 2 घंटे का, वहीं पे आप फौरन डीप वर्क करने लगेंगे। तो अब ये चारों तरीके हैं, मोनेस्टिक एकदम अलग जाके काम करना, बाईमोडल कभी कभार अलग जाके काम करना, रिदमिक अपनी लाइफ में बस एक रिदम बना लेना कि कब कब आप डीप वर्क करेंगे, और चौथा है जर्नलिस्टिक कि जब टाइम मिले तब आप डीप वर्क करें। अब इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो आपके लिए सही हो वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ पे आपको डीप वर्क करना है। हम सब लोगों के पास सिर्फ लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है जो हम लोग हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग 3-4 घंटे से ज़्यादा डीप वर्क एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत क्लियर रहना होगा कि वो क्या गोल है जिसमें आप डीप वर्क करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी और मैथ्स आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तो अपना गोल बना लीजिए कि आपको डीप वर्क सिर्फ मैथ्स में करनी है, या आपका सबसे बड़ा गोल है अपनी थीसिस लिखना तो आप उस पे डीप वर्क करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें जब आप काम कर रहे हैं। तो आप अपने फैमिली में हर किसी को बोल देंगे कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल देंगे, अगर आपको कॉफी या चाय पीनी है तो आप पहले से बना के रख लेंगे ताकि आपको काम करते टाइम चाय की पत्ती ना ढूंढनी पड़े। अब एक और चीज हो सकती है आपके साथ कि आप कभी कभार थोड़ा बोर हो जाएं। हो सकता है कि आधे घंटे आपने काम किया और फिर आपको एकदम से चीजें बोरिंग लगने लगे। अब आपको मेन चीज ये करनी होगी कि आप उस बोर्डम को एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे भागने कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बोरियत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए गहरी सांसें लीजिए, फौरन इंस्टाग्राम या यूट्यूब ना खोलिए, रिलैक्स करिए, 2-3 मिनट वॉक पे चले जाइए और फिर वापस आके अपना काम करिए। ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे ही आप अपना फोन खोलेंगे या किसी से बात करने चले जाएंगे या अपना बोर्डम दूर करने की कोशिश करेंगे, आप डीप वर्क से शैलो वर्क में आ जाएंगे। और लास्ट पार्ट है कि जब आपने अपना डीप वर्क कर लिया तब आपको पूरी तरीके से शट डाउन करना होगा। डीप वर्क आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन भी डालता है। अगर आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डीप वर्क किया है तो आप थक भी जाएंगे। अब काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि वो ज़बरदस्ती 8-9 घंटे काम करेंगे जबकि उनका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि सिर्फ 1 घंटे का ही डीप वर्क और ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 3 घंटे का शैलो वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने अपना डीप वर्क ख़त्म कर लिया, थोड़ा बहुत जो भी आपको और शैलो वर्क करना है वो कर लीजिए, कि आपको सोचना है कि अगले दिन क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी, ईमेल्स भेजने, जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है वो करके फिर आप अपने दिन को ख़त्म कर दीजिए। और आपको डिसाइड कर लेना है कि अब मैंने काम करना बंद कर दिया है, अपनी बुक्स बंद कर दी, अपना लैपटॉप बंद कर दिया और पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। कैल न्यूपोर्ट खुद 5 बहुत पॉपुलर बुक्स लिख चुके हैं, उन्होंने MIT से अपनी PhD करी थी और वो एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। तो वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं लेकिन तब भी उन्होंने अपने लिए एक रूल बना रखा है कि वो 5 बजे हर रोज़ अपना काम बंद कर देते हैं और वो वीकेंड्स को काम नहीं करते हैं, और वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन डीप वर्क करके ही इतना सारा काम कर लेते हैं जो नॉर्मल लोग 8-8, 9-9 घंटे करके नहीं कर पाते हैं, और ये सब है सिर्फ डीप वर्क के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि डीप वर्क होता क्या है, डीप वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है, अटेंशन रेजिड्यू क्या होता है, कैसे हम लोग डीप वर्क कर सकते हैं, इसमें 4 तरीके हैं, मोनेस्टिक, बाईमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख के इनको ज़रूर समझिएगा। 5वां पॉइंट था कि आपको गोल रखना होगा कि किस चीज़ पे आप डीप वर्क करेंगे, और लास्ट पॉइंट था कि आपका शट डाउन का टाइम सेट होना चाहिए और उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं डीप वर्क करने के लिए? अगर आपने इस वीडियो का चैलेंज कंप्लीट किया और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 99% लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उनसे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा #focus डाल के, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी मुझे बताना है, आप बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर watching.